फ्राइडे के दिन मार्केट निगेटिव नोट में क्लोज होते हुए नजर आया, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी तीनों इंडेक्स यहां पे लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन इनके साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने इस गिरावट में बिल्कुल योगदान नहीं दिया है, और वो स्टॉक जो है और वो सेक्टर वो जो हर इंसान में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर उस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से सेक्टर थे जिनमें हमें पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और आगे आने वाले समय में उसमें हम किस प्रकार से अपना व्यू रख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें एनजेवन एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। एनजेवन एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी या बैंक निफ्टी, सेंसेक्स देखने को मिलेगा, उसके ऊपर व्यू मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ व्यू मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ सेक्टर का जो हीट मैप है वो लग जाता है। तो यहाँ पे जो सेक्टर थे जिन्होंने इस गिरावट में बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया है, तो उनके नाम है यहाँ पे सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर। ये सेक्टर ने यहाँ पे गिरावट में बिल्कुल योगदान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ये सेक्टर जो है, ये कुछ सेक्टर जो था ये 1.5% की तेज़ी के साथ, और कुछ सेक्टर जो था ये 0.1% से 0.16% या 0.03% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। अब जैसे कि हम यहाँ पे सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो सीमेंट सेक्टर में यहाँ पे जो स्टॉक ने यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, उसमें से यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है ये इंडिया सीमेंट के स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ पे इंडिया सीमेंट का जो स्टॉक था ये 7% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आया है। वहीं पर अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में यहाँ पे 0.12% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन ACC लिमिट के स्टॉक में यहाँ पे 0.1% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, तो जिस स्टॉक में यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छा वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक के साथ जा सकते हैं, उन स्टॉक के साथ हमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो किस प्रकार से बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे निफ्टी में मैं क्लिक करता हूँ, निफ्टी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड में एक ऑप्शन चेन और एक ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। निफ्टी की ऑप्शन चेन के साथ अगर हमें लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव व्यू आ सकता है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, और लगता है कि मार्केट में गिरावट आती है तो हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। जैसे कि हम मार्केट में हम कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, तो कॉल में आपको यहाँ पे इस साइड का जो भी स्ट्राइक प्राइस चलता है, अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है चार्ट में, तो हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं, उन स्ट्राइक प्राइस को आपको यहाँ पे बाय करना होता है, उसके LTP पे क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन पे मेंशन करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे LTP आ गया है, और अगर लगता है कि मार्केट में तेजी का सेंटीमेंट बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो भी आपको देखने को मिलेगा, इस कॉल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे कि मैं 18,600 का जो कॉल है इसको मैं बाय करना चाहता हूँ, जो 77 पे है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, बाय ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ। बाय ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है। जैसे कि मैं सिंगल लॉट के लिए ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। एक लॉट में यहाँ पे 50 क्वांटिटी आती है करंट प्रीमियम के साथ, जो मार्जिन है वो नीचे देखने को मिलेगा। नीचे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बाय बटन पे क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पे प्रेस करना है। अभी मार्केट बंद है, इससे हमारा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पे प्रेस करते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे पुट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना इजी, कितना आसान होता है एनजेवन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे ऑर्डर को पुट करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एनजेवन में ओपन नहीं किया है, तो बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आज ही अपना डीमैट अकाउंट एनजेवन के साथ ओपन करें, यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।